हंस दे मेरा जानू ना कहाँ भूल गए उनका नाम अनी का एक्सीडेंट के बाद अब ऑपरेशन के बावजूद भी अनी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और डॉक्टर्स के पैनल अब यही डिसाइड करते हैं कि अब कोई मिरेकल ही बचा सकता है अनी को। और तब एक नर्स बताती है कि अनी की वाइफ है बाहर जो मंदिर से पूजा करके एक फूल लेकर आई है और वो बोल रही है कि अगर वो फूल को अनी के माथे पर छुआ देगी तो वो ठीक हो जाएगा। और अब डॉक्टर्स के पास भी और कोई चारा नहीं और झनक को अंदर आने की अनुमति देते हैं कि आखिर जहां मेडिकल साइंस नहीं पहुंच पाया शायद कोई प्रार्थना ही काम कर जाए। और झनक के हाथों वो चमत्कार होता है जो मेडिकल साइंस से परे है और धीरे धीरे झनक का विश्वास और प्रार्थना अनी को लाता है होश में। पर क्या कभी अनी को पता चलेगा कि उसकी जान सिर्फ और सिर्फ झनक का प्यार और प्रार्थना की वजह से बचा है या फिर वो झनक से अचानक इतना नफरत करेगा कि नफरत की आग में उसे यही समझ नहीं आएगा कि झनक आखिर में उसी की जिंदगी है। देखते रहिए आखिर आगे झनक में होता क्या है यहीं पर। देखिएगा ये ठीक हो जाएंगे क्योंकि चमत्कार होते हैं। जहां साइंस का लॉजिक नहीं चलता वहां प्यार का मैजिक काम आता है।